पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के निधन पर शाहरुख खान समेत इन स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। बिशन सिंह बेदी अंगद बेदी के पिता और नेहा धूपिया के ससुर हैं। बिशन के निधन से पूरा बॉलीवुड दुखी है। शाहरुख खान ने ट्विटर के जरिए अपना दुख जाहिर किया। शाहरुख खान ने लिखा, बिशन सिंह बेदी उन लोगों में से थे बड़े होते हुए जिनके उत्साह और भावना को हमने अनुभव किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें खेल और जीवन के बारे में इतना कुछ सिखाने के लिए सर को धन्यवाद, आपकी बहुत याद आएगी, आत्मा को शांति मिले। सुनील शेट्टी ने लिखा, स्पिन दिग्गज बिशन सिंह बेदी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। एक ऐसे व्यक्ति जिसे न केवल उसकी क्रिकेट प्रतिभा के लिए बल्कि उनको ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए भी सराहा जाता था। वह खेल के सच्चे उस्ताद थे और कई लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, आपकी आत्मा को शांति मिले बेदी सर। एक्टर संजय दत्त ने लिखा, क्रिकेट ने आज एक लेजेंड को खो दिया है, लेकिन बिशन सिंह बेदी जी द्वारा बनाई गई यादें और बेहतरीन पल हमेशा जीवित रहेंगे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और पूरे क्रिकेट कम्युनिटी के साथ हैं, क्योंकि हम इस गहन क्षति पर शोक मना रहे हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा के पति और आप नेता राघव चड्ढा समेत कई राजनेता, फिल्मी स्टार और खिलाड़ियों ने दिग्गज क्रिकेटर के निधन पर दुख जताया है। जानकारी के मुताबिक बेदी की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में जन्मे बेदी ने अपना क्रिकेट करियर 1966 में शुरू किया और यह 1979 तक चला। उन्होंने अपने करियर में 67 टेस्ट खेले और 266 विकेट लिए और साथ ही 10 वनडे में 7 विकेट लिए। वह 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान भी कप्तान थे जब अजीत वाडेकर घायल हो गए थे।